जी, वीकेंड आपने शिमला में बिताया, बढ़िया ठंड उधर थी, बताइए रास्ते में ट्रैफिक कैसा मिला और किस तरीके का ट्रेड आप देख रहे हैं बाजार में? अब निफ्टी फ्लैट, बैंक निफ्टी में भी कोई मूवमेंट नहीं, लेकिन मेटल्स चहकते हुए। हाँ, गुड आफ्टरनून। तो शैलेंद्र जी, ना कोई होटल में कमरा था, ना कोई दुकान में बंद थी, और ट्रैफिक भरा हुआ था। जाने आने में मेरे 2 घंटे फालतू ही लग गए, बिकॉज रोड कंस्ट्रक्शन एक आध जगह थी, बट ट्रैफिक इज फ्लोइंग। और जो आपको अभी इंडिकेशन आ रही है, अगस्त से सितंबर में 35% पीपल आर गोइंग टू ट्रैवल। टिकट नहीं मिलेगी, ना होटल का कमरा मिलेगा, तो तैयार हो जाइए, स्पेंडिंग पैटर्न में बहुत ज्यादा इजाफा। Along with that, you have little bit of checks and balances, and India has weathered the second storm, you know, the second wave relatively well. So, जो आपकी provisioning वगैरह है banks की, I think वो 45 days close down की वजह से वो सब priced in है. I am looking at very very robust growth coming back in the next few quarters. और इस कारण से I am relatively bullish on the mid cap lenders and some of the auto stocks. मुझे Reliance भी इस भाव पे, after pricing in the worst, they've come out with very relatively good ARPUs. और अब जो भारती और Vodafone ने बढ़ाए हैं prices, I think tariffs from Reliance will also be going to be hiked, which will again re-rate the stock. आज के मेरे दो picks हैं, पहला है Titan. I think that has given a very good consolidation and now it's breaking out. 1725 में लीजिए 1700 का स्टॉप लॉस है, 1800 का टारगेट। और अंबुजा सीमेंट 405-6 में लीजिए, स्टॉप लॉस 398 का है और टारगेट है 420 का। तो बढ़िया मोमेंटम, रिकॉर्ड हाईस पर भसीन साहब आपको चेस करते हुए दिख रहे हैं अंबुजा सीमेंट पर, और अक्सर आपने ये कॉल्स चंदन तपड़िया साहब और आशीष जी की तरफ से आती हुई देखी हैं। टाइटन हम लोगों ने सुबह पकड़ा था, यहाँ पर अब BTST का रूप कह लीजिए या पोजिशनल ट्रेड आपको आता हुआ दिखेगा भसीन साहब की तरफ से।